नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, लाइक शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे हमारी नई नोटिफिकेशन के बारे में जो निकली है उत्तराखंड ग्रामीण डाक सेवा। आगे बात करते हैं पोस्ट की। जो पहली पोस्ट है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की। ये यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया इनकी जॉब प्रोफाइल, आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, यहाँ पर भी इन्होंने मैंशन किया है इसकी जॉब प्रोफाइल। लास्ट वैकेंसी है डाक सेवक की और यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है जॉब प्रोफाइल। आगे बात करते हैं अलाउंसेस की। यहाँ पे इन्होंने टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, ये आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं एज की। मिनिमम टू मैक्सिमम रहेगी 18 to 40 ईयर्स और एज रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। एस सी एस टी के लिए 5 साल की है, ओ बी सी के लिए 3 साल की है। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है और PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 10 साल की है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस अगर OBC हैं तो 13 इयर्स, SC ST हैं तो 15 इयर्स। और काफ़ी इन्होंने डिटेल में मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मिनिमम इन्होंने मांगा है आप 10वीं पास होने चाहिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है आपको नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की और जो कि 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट और स्टेट यहाँ पे साथ में मेंशन किया है कौन से स्टेट की कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है लोकल। उत्तराखंड की हिंदी है। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 60 दिनों का, कोई भी सेंटर स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अप्रूवल होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी डिटेल मेंशन की है तो आप देख लेना इसे। नॉलेज ऑफ साइकिल भी इन्होंने मांगी है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ये भी देख लेना। आगे बात करते हैं फ़ी की। जो फ़ी रहेगी जनरल OBC EWS मेल और ट्रांस मैन के लिए वो 100 रुपीज़ है, बाकी SC ST फीमेल ट्रांस वूमेन के लिए कोई फ़ी नहीं है। ये ऑप्शन फॉर अप्लाइंग ऑन GDS पोस्ट के लिए है और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो टोटली बेस्ड रहेगा मेरिट लिस्ट पे। और यहाँ पे इन्होंने साइकिल ऑफ नोटिफिकेशन मेंशन किया, हाउ टू अप्लाई ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने गिवन है तो आप यहाँ से देख के फिल कर सकते हो अपना फॉर्म। आगे बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 22 सितंबर है और 23 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कल से। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर उन्होंने कुछ बेसिक डिटेल्स दी हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको फिल करनी है, जैसे कि नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जैसे कि आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में जैसा नाम मेंशन होगा आपको वैसा ही लिखना है, फादर नेम मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ जेंडर कम्युनिटी PH टाइप ऑफ डिसेबिलिटी स्टेट बोर्ड ईयर 10वीं का रोल नंबर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर है। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि एक ही टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन अलाउ होगी फॉर ईच कैंडिडेट। और फीस तो ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि 100 रुपीज़ है और जो फ़ी का जो मोड रहेगा पेमेंट का वो ऑनलाइन रहेगा, क्रेडिट डेबिट या नेट बैंकिंग से आप किसी भी साइट से जाके आप फ़ी पे कर सकते हो इन्हें। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है डॉक्यूमेंट्स, उनकी फाइल फॉर्मेट भी इन्होंने मेंशन किया है, साइज़ भी बताया है और कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने ही करने हैं, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है। सर्टिफिकेट कम्युनिटी सर्टिफिकेट फ़ोटो सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर। और यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इनके ये हेल्पलाइन नंबर है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ये मेल आईडी है। और जब आप अपनी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन कौन से डिवीज़न में आपको फिल करना है, अपनी प्रायोरिटी देनी है, तो ये सारे मेंशन है यहाँ पे। अब बात करते हैं लास्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की।
ये बहुत ज़्यादा है। हर सिटी इन्होंने मेंशन किया मैक्सिमम, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, टेरी, अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। EWS के लिए 57 है, OBC के लिए 78 है, PWD B के लिए 6 है, PWD C के लिए 7 है, PWD DE के लिए 2 है, SC के लिए 99, ST के लिए 15, जनरल के लिए 317, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 581। आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।